अच्छा व्यूवर्स, अब जो है मैं रोज़ नेल जो है मेरा चेंज हो गया है, थोड़ा छोटा साइज़ का लिया है, और रोज़ टिप जो है इसमें देखिएगा, ये इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है। जो इस तरीके के कर्व होते हैं जिसमें फ्लावर्स बनते हैं, उसके सी बना हुआ होता है, ये उल्टा सी है, यानी कि डाउन साइड इसकी जो है वो आप देख रहे हैं वो ब्रॉड है, और यहाँ पे ऊपर साइड जो है नैरो है, लेकिन इसका फेस इधर होने के बजाय उस तरफ है, ठीक है। इसमें पेटल्स जो बनते हैं वो बंद पेटल्स बनते हैं, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बेस बनाएंगे, ये देखिए इसकी मूवमेंट देखिए किस तरीके से, मैं ऊपर जाके हाथ को नीचे की तरफ ला रहा हूँ ताकि इसकी जो है ये पैटर्न्स को बन शेप में ही ये दे, ठीक है। अब जब ये इतने हो गए हैं तो अब इसमें हम हैंड मूवमेंट चेंज करेंगे। पहले हम इसके नीचे ज़रा बेस सही कर दें, ठीक है। अब इसको जो है हम पैटर्न्स को चेंज करने के लिए थोड़ा सा हाथ को बाहर की तरफ निकालेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इसमें जो है ये थोड़ा सा बंद फ्लावर की तरह, थोड़ा सा क्लोज फ्लावर्स की तरह बनते हैं इसमें पेटल्स, इसी तरह मैं इसको। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें ये दूसरा नोजल है, ये इसका साइज बिल्कुल छोटा सा है, इसमें छोटे पेटल्स बनते हैं, ठीक है, वो मैं आपको भी बताता हूँ किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये देखिएगा, इसको जो है ना प्रेशर देके रोकना होता है, वरना ये आपकी स्टिक होके वापस आ जाता है। ये देखें इसी तरह जो है हम कोई भी बटर क्रीम लेके इसमें हल्का सा, ठीक। ओके व्यूअर्स, अभी जो है हम एक डिफरेंट फ्लावर बनाने जा रहे हैं, इसकी जो नोजल को देखेंगे किस तरीके से ये एस बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें भी नंबर नहीं है लेकिन ये एस बना हुआ है, और ये ज़्यादातर पोनी फ्लावर्स जो है वो बनाए जाते हैं। इस दूसरे फ्लावर भी बनते हैं इससे, लेकिन पोनी फ्लावर्स के नाम से ये ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें भी बेस वैसे ही बनाएंगे, बेस सब पे मैंने इसमें टू टोन कर दिया, ठीक है। इसमें जो ग्रीन कलर्स की मैंने वो बता बनाई है फ्लावर्स, उसको और एक पिंक कलर के, दोनों को मिक्स कर दिया। अच्छा एक चीज़ इसमें यहाँ बता दूँ कि दोनों की कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि ये ड्राई हो ये सॉफ्ट हो, तो फिर वो सही नहीं निकलेगी आपके फ्लावर्स, ठीक है। इसमें आप बेस बनाएंगे, अच्छा यहाँ पर मैं देखें कुछ डिफरेंट करूँगा, यहाँ पे मैं बेस बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके के। अब इस पे ही जो है मैं फ्लावर्स के पेटल्स बनाना शुरू करूंगा। अब नीचे की बेस इसको मजबूत करेंगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह देखें, अगर आप इसको यहीं रोकना चाह रहे हैं रोक सकते हैं, लेकिन एक पेटल इस तरह से थोड़ा डाउन साइज में, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें जो है आप सेंटर में
रेड कलर से आप इसको जो है डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक, इसको भी वैसे ही निकालेंगे। ठीक हो गया। ओके व्यूअर्स, अब जो है आखिरी फ्लावर्स मैं बनाता हूँ इसमें, जो कि इस वक्त क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इस वजह से जो है फ्लावर्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप सबका फेवरेट है R18। R18 के बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो ये R18 से मैं रोज़ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी आप बेस वैसे ही बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, ये इसकी कली बन गई है। अब इसमें छोटे पेटल से शुरू करेंगे। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, अब जिसके बाद एक राउंड लगेगा वो बीच सेंटर में जाएगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म। देखें, अब ये जो है ना, ये टिप थोड़ी सी, मतलब इसका बेस वो हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो हम पहले इस पे बेस पे काम करेंगे, थोड़ा सा इसको ठीक है स्ट्रॉन्ग कर दिए, ताकि ये आपके फ्लावर गिरे नहीं। अब जहाँ से रुके थे वहीं पर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे पेटल्स बड़े होते जा रहे हैं, उसका जो राउंड बन रहा है वो बड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब जो होगा उसमें पेटल राउंड के साथ साथ इसका टिल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, ताकि फ्लावर्स इसके खिलने वाले हों, पेटल्स हैं। ठीक, अब और ज़्यादा आपको चाहिए बड़ा, तो फिर आप इसी तरह ही जो है ये थोड़े दूर दूर, हाथ मेरा बिल्कुल टिल्ड हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको जो है इसी तरह एक नेचुरल लुक देने के लिए हम इसमें हल्का सा इसको टच करेंगे। ठीक हो गया, तो ये व्यूअर्स आखिरी फ्लावर था रोज़, इसको देखें आप और बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा, वही पोजीशन होगी। ठीक है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जो चीज़ अगर नहीं समझ में आई, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा पूरा, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह की वीडियोज़ जो है आती रहेंगी इंशाल्लाह, आप लोग बस सपोर्ट करते रहें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।